हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूं एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल का। गॉड ऑफ हाई स्कूल अडेप्टेड है गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम के लाइन/नेबर वेबटून से, जिसके राइटर और इलस्ट्रेटर है पार्क योंग जे। इसे प्रोड्यूस किया है मापा स्टूडियो ने और इसके डायरेक्टर है पार्क सुंगू। और ये एक क्रंचीरोल ओरिजिनल सीरीज है। इसकी स्टोरी बेस्ड है मॉडर्न डे कोरिया में, जहां गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम का एक मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन शुरू होता है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स फाइट आउट करेंगे कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, और जीतने वाले को प्राइज में मिलेगा कि उसकी कोई भी एक विश पूरी होगी, चाहे वो भी बिजार क्यों ना हो। और इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे तीनों मेन कैरेक्टर जिन मोरी, यू मीरा और हान देवी। और ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद इन लोग इस कंपटीशन का रियल रीजन जानते हैं, रियल रीजन डिस्कवर करते हैं, इसके पीछे के कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर करते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो शो देखने के बाद आपको स्टोरी पता चली जाएगा, और अगर आपने देखा है तो गुड फॉर यू। सीधा रिव्यू से शुरू करते हैं। गॉड ऑफ हाई स्कूल का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सम थिंग्स जस्ट डज नॉट वर्क आउट इन एनिमे फॉर्मेट, एंड गॉड ऑफ हाई स्कूल इज वन ऑफ देम। कई सारी सीरीज ऐसी होती है जिनकी कॉमिक्स में, कॉमिक फॉर्म में एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, और एनिमे अडेप्टेशन में वो अपना वो एसेंस खो देता है। गॉड ऑफ हाई स्कूल आने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाई आई एम एक्साइटेड फॉर गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे अडेप्टेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि क्यों गॉड ऑफ हाई स्कूल का अडेप्टेशन डिफिकल्ट है और क्यों मैं उसके एनिमे अडेप्टेशन के लिए एक्साइटेड हूँ। गॉड ऑफ हाई स्कूल बहुत बड़ा वेबटून है, आर्क वाइज भी और ऑफ कोर्स चैप्टर वाइज भी। उसका फर्स्ट आर्क खत्म होने के लिए मेरे ख्याल से शायद 200 से 250 चैप्टर लगते हैं, तो उन्हें बराबर से एनिमे में कन्वर्ट करना वाज ऑलरेडी अ डिफिकल्ट टास्क, बट समहाउ मापा डिड इट। गॉड ऑफ हाई स्कूल मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट्स कॉमिक्स में से एक है, मांगा, मानवा, वेस्टर्न कॉमिक्स और ऑफ कोर्स इंडियन कॉमिक्स सबको गिन के। और उसको इतना खास बनाते हैं उसके फाइट सीन्स। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था, इसके फाइट सीन्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उसे फटाफट फ्लिप करो या स्वाइप करो तो आपको पूरा एनिमेशन में दिखेगा। उसके फाइट सीन्स के साथ जस्टिस करना बहुत जरूरी था और मापा ने बिल्कुल वही किया। फाइट्स को एनिमेट करने के लिए इसने मोशन कैप्चर्स का यूज किया है, फाइट सीन्स को रियलिस्टिक और फ्लूइड रखने के लिए, विच इज वाई एक्शन कोरियोग्राफी वॉज लेट। द फाइट्स वर अमेजिंग। स्मॉल फाइट्स या साइड फाइट्स या टाइम पास फाइट्स को कई बार या तो स्किप किया था या तो फटाफट में खत्म किया था, विच वॉज अ डिक मूव, बट ऑल द मेजर एंड इम्पोर्टेंट फाइट्स वर डन राइट। एनिमेशन एंड प्रोडक्शन क्वालिटी वॉज ग्रेट, एनिमेशन वॉज एज गुड एज इट गेट्स, एंड द ओपनिंग सॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन इज अ फकिंग बॉप। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने अपना पूरा बजट ओपनिंग में लगा दिया और फिर एंडिंग को उनको काइन मास्टर में बनाना पड़ा। एनिमे के एक्चुअल फाइट्स तो अच्छे थे, लेकिन ओपनिंग में जो फाइट्स दिखाए थे ओपनिंग सीक्वेंस में, वो भी देखने में कितने अच्छे लग रहे थे। कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि स्टोरी काफी फास्ट पेस्ड है, एंड आई एग्री, इट वॉज वेरी 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 फास्ट पेस्ड। वे टू मेनी थिंग्स वर स्किप्ड टू द पॉइंट दैट द होल शो सीम्ड पॉइंटलेस। इवन द कैरेक्टर्स बैक स्टोरीज वर स्किप्ड, ऑडियंस को उन कैरेक्टर्स के साथ अटैच्ड होने ही नहीं मिला। और अगर वो कोई जूनियर कैरेक्टर्स होते जिनका शो में दोबारा कोई काम नहीं है तो बात अलग होती, लेकिन उनमें से कई सारे कैरेक्टर्स बाद में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले, तब ये लोग क्या करेंगे। ऐसा लग रहा था कि एनिमे के स्क्रीन राइटर ने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल पढ़ा ही नहीं, जैसे स्क्रिप्ट उन्हें मिली उन्होंने उसके हिसाब से स्क्रीन प्ले लिखना चालू किया। ओरिजिनल ऑथर पार्क योंजे ने भी इसे ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स प्रमोटिंग हिज वर्क, एंड इफ ही डजंट माइंड देन हु आर वी। I'm still a bit salty though. एनिमे देखते टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि ये एनिमे ट्रिब्यूट है वेबटून रीडर्स के लिए, क्योंकि हमने कॉमिक पढ़ा है तो हमें पता है कि क्या हो रहा है, और जो चीजें स्किप भी हो रही है वो भी हमें पता है, तो हम कुछ मिस नहीं कर रहे। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि वेबटून काफी बड़ा है, तो इसकी पेसिंग को फास्ट करना जरूरी था, वरना पुराने वाले हंटर हंटर की तरह हालत हो जाती। पुराना वाला हंटर हंटर थोड़ा बोरिंग था, क्योंकि उसमें लिटरली एक चैप्टर का एक एपिसोड बनाया था, वो काफी स्लो था और उसमें काफी सारी अननेसेसरी चीजें दिखाई थी जो 2011 वाले में स्किप की गई थी। सेम गॉड ऑफ हाई स्कूल के केस में वेबटून के कई सारे बोरिंग और स्लो पार्ट्स को बहुत बढ़िया पेसिंग दी है इसमें। जो पार्ट्स वेबटून में काफी स्लो थे उसको फटाफट खत्म किया है इसमें, लेकिन उसी चक्कर में इन्होंने काफी सारे बढ़िया पार्ट्स को भी फटाफट में खत्म कर दिया। वो एक ड्रॉबैक है फास्ट पेसिंग रखने का। ऑल इन ऑल इट वाज एन इंटरेस्टिंग सीरीज। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो आई रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड रीड द वेबटून, इट्स सो गुड। फाइट्स एंड वेबटून लुक मोर आइकॉनिक, जिसके लिए मैं काफी एंटिसिपेट कर रहा था,
लेकिन फाइट्स इन एनीमे लुक मोर लाइक बेबलेट बैटल्स. इन दैट सेंस इट वॉज नॉट अ फेथफुल अडेप्टेशन. इट डिडंट डू जस्टिस विद द ओरिजिनल वेबटून. इट हैज सो मेनी रेफरेंसेज दैट यू वोंट अंडरस्टैंड इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ कोरियन हिस्ट्री और कोरियन कल्चर इन जनरल. यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट अदर कल्चर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज, क्योंकि आगे काफी कुछ होने वाला है. काफी कुछ मतलब एक बार आप वॉर चालू होने तो आप पागल हो जाओगे. एट द एंड ऑफ द डे, एज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एज इट मे बी, द एनिमे वॉज अ माइंडलेस एक्शन मार्शल आर्ट anime. If you like mindless action anime, then it's perfect for you. As for the rating, I'll give the webtoon a solid 9 out of 10, but for the anime I'll rate it somewhere between 6 and 7. Let's call it a 7. तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही. अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.